Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So guys, ये है मेरा last Thursday का vlog जो मैं late post कर रही हूँ क्योंकि जो vaccine का experience मेरा रहा ना वो मुझे share करना था, तो उस हिसाब से ये video थोड़ा late हो गया. पर इसको मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती क्योंकि इस video में मैं आपके साथ share कर रही हूँ एक बढ़िया सी salad की recipe. और आप लोगों ने काफ़ी मुझे पूछा था कि मेरे plans का क्या update है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने बिली पत्र और तुलसी सीड्स में से उगाए हैं, तो आपको भी जानना था कि उसके हालचाल क्या है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो दिन की शुरुआत हम करते हैं एक्सरसाइज से. तो जब से ये ट्रेडमिल लिया ना, तब से आज तक एक दिन भी ऐसा गया नहीं कि मैंने वॉक नहीं किया. तो ज़्यादा टाइम नहीं है ना इनकेस मेरे पास, फिर भी मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए तो वॉक कर ही लेती हूँ. और दूसरी चीज़ जो काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ वो है आइदर मेक ऑरेंज जूस फॉर किड्स, इफ़ नॉट उनको जो क्लेमेंटाइन छोटी वाली आती है वो मैं दे देती हूँ. जब से ये कोविड हुआ ना तब से ये चीज़ मैंने कभी मिस नहीं की है. तो यू नो ऑफकोर्स ऑरेंजेस आर सो हाई इन विटामिन सी, तो उससे उनकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होती है. और ये जो मेरा जूसर है ना, आप मानोगे नहीं गाइस, मेरे पास आई वुड से एटलीस्ट 5+ ईयर्स तो उसको हो गए मैंने लिए हुए. और ये ब्लैक एंड डेकर का है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मैंने उसको लिया था, पर आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है. बहुत अच्छी तरीके से ऑरेंज जूस इसमें निकल जाता है. तो जैसे मैंने बताया, ऑरेंज जूस मैं उनको दोनों को दे देती हूँ. एक्चुअली हम चारों ही पीते हैं, पर बच्चों को तो मैंने बहुत मेक श्योर किया है कि बस एटलीस्ट कोई फॉर्म में उनको विटामिन सी मिल जाए. सो ये थोड़ी पुरानी क्लिप है, जब ये सीड स्प्राउट हो रहे थे उस टाइम पे मुझे किसी ने पूछा था कि मैं इसमें पानी कब ऐड करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको प्लास्टिक से कवर करके रखा था ताकि ग्रीन हाउस का जैसे टेम्परेचर होता है वैसा टेम्परेचर सीड्स को मिल जाए तो वो जल्दी स्प्राउट कर जाएंगे. तो जब आपको लगे ना कि ये बिल्कुल ड्राई हो गया है तभी आपको उसमें पानी ऐड करना है. और वो भी जैसे यहाँ पे आपने देखा, मैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती थी. तो यहाँ पे मैंने दो बिली पत्र के पॉट तैयार किए हैं और दो तुलसी के हैं. तो बिली पत्र के सीड्स मैंने इंडिया से मंगवाए थे और तुलसी मेरे पास लास्ट ईयर थे, तो उसमें से जो सीड्स थे मेरे पास बस वही मैंने इस बार भी यूज़ किए. और अगर आपको देखना है कि मैंने ये प्रोसेस शुरू से कैसे किया था तो वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. और ये सर्कुलर मैं लास्ट टाइम वॉलमार्ट में गई तब ये ले आई थी, क्योंकि इतने क्यूट दिख रहे थे और बहुत ही इजी है ग्रो करने में. तो जो भी लास्ट ईयर के मेरे पास पॉट्स वगैरह खाली पड़े थे सब लेके मैं बैठी हूँ. और ये है मेरा मिंट का, जो मिंट मैं बाजार से लेके आई थी बस उसी को मैंने ऐसे ही पानी में रख दिया था ताकि उसके रूट्स निकल आए ना, तो मैं अच्छी तरीके से उसको पॉट में ट्रांसफ़र कर सकूं. और ये जो सर्कुलेंट का पॉटिंग मिक्स है ना, मुझे लकीली रॉस में से मिल गया. एंड आई वाज सो सरप्राइज टू सी दैट कि रॉस में अब ये भी मिलने लगा है, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें यूजुअली आपको वॉलमार्ट है लोज वगैरह में मिल जाती है, पर मुझे कभी ये पॉटिंग मिक्स लोज में से नहीं मिलता था. तो उस हिसाब से ये प्लांट भी मैं नहीं लेती थी, क्योंकि ये प्लांट एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, इजी ग्रो कर जाते हैं, ये पसी वाले प्लांट नहीं है कि उसको इतना पानी चाहिए लाइट चाहिए वगैरह. पर कभी ये पॉटिंग मिक्स मुझे मिलता ही नहीं था, पर लकीली मुझे जैसे ही पॉटिंग मिक्स पहले मैंने दिया उसके बाद जाके ये प्लांट्स भी मैं लेके आई. और बाकी मेरे जो प्लांट्स हैं ना उसके लिए मैं हमेशा ये मिरेकल ग्रो का पॉटिंग मिक्स यूज़ करती हूँ. और इस बार मैंने ये मॉइस्चर कंट्रोल वाला लिया है ताकि मॉइस्चर जब कंट्रोल होता है तो इतना पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें. जब आपको लगे ऊपर से कि बहुत ड्राई हो गया तभी पानी ऐड करना होता है. और फर्टिलाइज़र वगैरह भी इसमें मिक्स अब आता है, तो वो भी कोई एक्स्ट्रा ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है. और ये जो मेरे पॉट्स है वो मैंने वॉलमार्ट से लिए थे, तो ये मिंट जो है ना बहुत अच्छी तरीके से पानी में, जैसे आपने देखा, बहुत अच्छी तरीके से पानी में भी ग्रो कर जाते हैं. क्योंकि मैंने ऐसे ही मैं ग्रॉसरी स्टोर में से लेके आई थी, सब उसके जो लीव्स थे मैंने यूज़ कर लिए थे, पर पानी में रखा था. जैसे ही पानी ख़त्म होता था मैं पानी ऐड करती जाती थी, और जैसे ही उसके रूट्स निकले तो फिर ईजी रहता है उसको ट्रांसफ़र करने में पॉट में.
सो ये वाले पॉट है ना, ये भी मैंने वॉलमार्ट में से लिए हैं और एक पैकेट में 12 आते हैं। तो बेसिकली ये पॉट बायोडिग्रेडेबल्स है, तो जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आपको उसको बड़े वाले पॉट में ट्रांसफर करना हो, तो ये पूरा पॉट ही आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हो और रूट अपने आप उसमें फिर अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएंगे। ये मेरा बिली पत्र का पॉट तैयार हो गया। दो पॉट जो मैंने तैयार किए थे, दोनों इसमें ट्रांसफर कर दिया। जब ये कर रही थी तो मुझे पॉटिंग मिक्स कम पड़ा, तो अब जाना पड़ेगा लोस में वो लाने के लिए। तो सो फार मिंट और बिली पत्र मैंने ट्रांसफर कर दिया, और सारे ये जो पॉट है ना, मैंने अभी घर में ही रखे हैं, क्योंकि अभी भी प्लांट ये बहुत छोटे हैं और हमारा वेदर सुबह में यहाँ पे ठंडा होता है अभी भी। तो सोचा कि पहले थोड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए ना, उसके बाद मैं उसको बाहर रखूंगी। लोस के प्लाजा में ही होम गुड्स है और काफी टाइम से मैं यहाँ पे आई नहीं थी, तो सोचा कि स्टॉप बाय हो जाती हूँ। आते ही पहले मैंने देखा यहाँ पे भी अब ये लीफ की प्लेट्स वगैरह मिलने लगी है। मैंने ली नहीं क्योंकि मेरे पास घर पे वैसे भी काफी सारी पड़ी है, पर इट्स गुड टू नो कि उनके पास अब ये कलेक्शन भी है। तो आज मैंने होम गुड्स में कोई ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग जाना था। तो लोस में से पॉटिंग मिक्स और ये कलरफुल फ्लावर का बास्केट मैंने लिया। घर आने की जल्दी थी क्योंकि दोपहर में थंडरस्टॉर्म था और बच्चों का लंच बनाना भी बाकी था, तो बस फटाफट जो काम थे ख़त्म करके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बारिश शुरू हो उससे पहले मैं घर पहुँच गई। तो ग्रॉसरी में मुझे कुछ खास लेना नहीं था, बस मिल्क लेना था और ये अवाकाडो रेंच के जो सैलेड मिक्स आते हैं, कॉस्को में भी मिलते हैं पर मैं हमेशा वेगमेंस में से ले आती हूँ। इसमें ऑलरेडी सब कुछ प्री मिक्स होता है, तो उसका टॉपिंग्स है, ड्रेसिंग है, सब कुछ अंदर होता है। तो कभी कुछ टाइम नहीं है कुछ बनाने का, कुछ लाइट खाने का मन हो तो बहुत अच्छे रहते हैं वो। और कभी आपने ये बीट ट्राई नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। ये स्वीट चिली फ्लेवर के है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये है स्प्रिंग मिक्स और द बेबी स्पिनच, ये दोनों भी मैं हमेशा रखती हूँ कि स्पिनच तो हमें कुछ भी उसका सूप बनाना है, सब्जी है तो यूज कर सकती हूँ। और ये कोकोनट वाटर भी मैं लेके आई। सो बस आज का ग्रॉसरी शॉपिंग इतना ही था। और ये है मेरा नया नेल पॉलिश कलर, तो मैं SNS करवाती हूँ, वो बेसिकली पाउडर नेल पॉलिश है। और ये जो रस्ट कलर है ना, ये मैंने जब सैंपल पे देखा तो मुझे पसंद आया, पर मेरे नेल्स पे मुझे इतना नहीं पसंद आया, तो आई वाज लाइक दैट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ये भी चेंज हो जाएगा। सो फटाफट बना देते हैं लंच, और लंच में आज बना रही हूँ मैं सैलेड। सबसे पहले उसके लिए पैन में थोड़ा सा घी लिया है, ऐड करूँगी मैं ये बॉयल्ड ब्लैक बीन्स। अगर आपको बीन्स पसंद नहीं है तो आप चिक पीस भी ऐड कर सकते हो। उसको हाई फ्लेम पे हमें 2 मिनट तक ऐसे चलाते रहना है, और आप थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। जब ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाए तभी आप सैलड में मिक्स करना। तो सैलड के लिए यहाँ पे मैंने लिया है क्यूकम्बर, कैरेट और चेरी टमेटोज। सबको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, और यहाँ पे मेरे पास है सिलांट्रो और ग्रीन चिलीज। तो ग्रीन चिलीज ये वाली जो बहुत तीखी आती है वो है, तो बस थोड़ी मैंने ऐड की है। और इसमें ये जो बीन्स हमने तैयार किए वो मैं ऐड कर दूंगी उसमें।
तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैं प्रॉपरली मिक्स कर लूँगी, और जैसे मैंने बताया अगर आपको ब्लैक बीन्स पसंद नहीं है तो आप छोले भी ऐड कर सकते हो। छोले के साथ भी ये सैलड बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये एक हेल्दी सैलड तैयार होता है क्योंकि ब्लैक बीन्स है तो प्रोटीन भी है और इतनी सारी वेजिटेबल्स भी हमने ऐड की है इसमें। थोड़ा सा सॉल्ट मैं ऐड करूँगी, उसके बाद ऑरिगानो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मिक्स हर्ब जो आता है वो भी ऐड कर सकते हो, और उसके बाद थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं रेड क्रश पेपर और ब्लैक पेपर। सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। और उसके बाद ये जो बीट मैं लेके आई वो भी थोड़े छोटे पीसेस करके मैंने वो भी ऐड कर दिया इसमें। तो अगर आपको इसमें स्पिनच, जो बेबी स्पिनच आता है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। मिंट अगर ऐड करना है, मिंट के साथ भी ये सैलड बहुत ही टेस्टी लगता है। सो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी भी उतनी है। सो बस सुबह से दोपहर का मेरा टाइम बहुत ही बिजी रहा, पर ऑफ कोर्स उतना ही प्रोडक्टिव भी था क्योंकि काफ़ी सारे मेरे काम हो गए। जैसे ही यहाँ पे मैं लंच बना रही थी, बाहर बारिश शुरू हो गई थी। एटलीस्ट एक घंटे के लिए इतनी बारिश हुई ना, पर बहुत अच्छा सा मौसम हो गया था। हम तीनों ने एक्चुअली बाहर बैठ के ये लंच एंजॉय किया पोर्च में। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।